हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। आज के इस वीडियो में टोटल 125 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट के टाइप में ये क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इनको देखिएगा एक से दो बार। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस का आंसर आप देने से पहले चारों ऑप्शन को अवश्य रीड करेंगे, उसके बाद ही आंसर अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि यहां से आप अपना अंदाजा लगाइएगा, चाहे तो आप राजस्थान पीटीआई की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश टीजीटी एलटी ग्रेड किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और किस लेवल पर आपकी तैयारी है। और एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़ाई करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, कोई भी रिलेटेड ऐसा काम करें जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, उस टाइम पे थोड़ा सा मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें जिससे आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा और अपनी स्कोरिंग करना शुरू करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके आज के इस वीडियो में राइट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य का कौन सा अंग अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखता है, यह आपको बताना है। मोनोसाइट्स, मस्तिष्क, यकृत या फिर लिम्फोसाइट्स। आंसर यहां पे तुरंत आना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग के बहुत आसान दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा यहां पे किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बिल्कुल जो भी अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट कर रखा है सी ऑप्शन यकृत, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरुदंड की औसतन लंबाई है, मेरुदंड की औसतन लंबाई कितनी है यह बताना है। 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। क्योंकि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उसका वहां पे कुछ और भी आपको दिख सकता है। औसतन यानी नियर अबाउट में आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही होना चाहिए सभी का आंसर। आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, बी ऑप्शन राइट आंसर। और इस प्रैक्टिस सेट का हम हाईएस्ट स्कोर आपको बता देते हैं, 123 नंबर का गया था जब आपका अभी हाल ही में ग्रुप में टेस्ट कराया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी, क्योंकि ये ना दिमाग में रखिएगा गया कि आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई दूसरा बैठा है वो तैयारी नहीं कर रहा होगा। हर एक स्टूडेंट अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मेहनत अभी से करिएगा क्योंकि यूपी टीजीटी की वैकेंसीज आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगी और राजस्थान पीटीआई का तो एग्जाम आपका डिक्लेयर ही कर दिया गया कि 25 सितंबर को होना है। और जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग 700 रुपीज का पेमेंट करके फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे या फिर किसी अन्य माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है जिससे आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें और जो नहीं आते हैं उनको डेली का डेली तैयार कर सकें। और आज से थोड़ा सा चेंजेस किया जा रहा है राजस्थान पीटीआई के जीएस के सिलेबस में और एलटी ग्रेड जीएस के सिलेबस में, क्योंकि जीएस का पोर्शन थोड़ा ब्रॉड है तो इसको थोड़ा सा स्पीडली कंप्लीट कराया जाएगा क्योंकि कि आपका फिजिकल एजुकेशन ऑलरेडी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं और वो आपकी सीरीज उसी तरीके से चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां पे क्या होता है, बिल्कुल आपका आंसर आ गया होगा, मनुष्य का कौन सा अंग सबसे कम उत्पादन रखने की क्षमता रखता है, तो ये हो जाता है आपका मस्तिष्क, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4, सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका है, तो सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका क्या है, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी में सेम टू सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग अगर पढ़े हुए हैं तो गलत नहीं होंगे। तो सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका जो है ये है लिम्फोसाइट्स, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, मानव शरीर में कुल मांसपेशी पाई जाती है, मांसपेशियों की संख्या आपको बतानी है,
कुल कितनी मांसपेशी पाई जाती है? 520 पाई जाती हैं, 206, 300 या फिर 639। तो मानव शरीर की अगर बात की जाए तो कुल मांसपेशी पाई जाती है 639। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। शरीर की सबसे लंबी हड्डी निम्न में से कौन सी है? बहुत से स्टूडेंट्स इसमें डी ऑप्शन भी टिक करेंगे, लेकिन आप इसका भी ध्यान रखें कि आयोग अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आपका डी ऑप्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। ध्यान रखना है उत्तर यहां पे फीमर के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है या कितना होता है? 120 दिन होता है, 50 दिन होता है, 2 से 5 दिन होता है या फिर सभी? अगर 2 से 5 दिन ना देके अधिकतम 13 दिन या 15 दिन दिया होता तब आपका आंसर अधिकतम 15 दिन भी राइट हो जाता, लेकिन यहां पे दिया है 2 से 5 दिन, तो आंसर यहां पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी उत्तर सही होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रक्त के जमने का समय लगभग कितना है? तो रक्त जो जमता है उसका समय कितना है? 3 से 6 सेकंड में जम जाता है, 3 से 6 मिनट या फिर 3 मिनट 12 सेकंड या फिर एक डी ऑप्शन भी है, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आपका होगा किस ऑप्शन के साथ में होना चाहिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर आना चाहिए, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 3 to 6 मिनट, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे यूट्यूब पर सर्च करिएगा टारगेट क्लासेज विद हरीश सर या फिर फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियोज वहां पे ओपन कर दी गई हैं, आप उन सभी वीडियोज का वहां से रिवीजन कर सकते हैं। अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी भी पेड ग्रुप से कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे डेली मॉक टेस्ट कंप्लीट कराया जाता है 9621819209 पर। आप लोग 700 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। औसत शरीर का तापमान होता है फॉरेनहाइट में, आपको बताना है 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 37 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आपके माइंड में आ रहा होगा ए, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बी ऑप्शन दिया है, एससीईआरटी की बुक में आपका दिया हुआ है आंसर 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, जबकि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दिया हुआ है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो राइट आंसर जो यहां पे आयोग के द्वारा माना जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका हूबहू पूछा गया यूपी टीईटी 2018 में, वहां पे ये दोनों ऑप्शन थे 98.4 और 98.6। तो आंसर आयोग ने जो माना था 98.6 माना था, और यही आपका राइट आंसर भी होगा। आप डिग्री फॉरेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करके भी चेकआउट कर सकते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर में पाए जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या होती है। इस तरीके के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हर बार एग्जाम में दिए जाते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न बुक्स में भिन्न भिन्न आंसर दिया होता है, और आयोग वहां पे जो आंसर अटेम्प्ट कराता है वही आंसर अंत में मान्य होता है। तो कुल हड्डियों की संख्या बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी का 100% राइट आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, किसे बोला जाता है? शर्करा को बोलते हैं, वसा को बोलते हैं, प्रोटीन या फिर गेहूं, बताइएगा। और जो भी तैयारी करना चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा, क्योंकि आपके ये जो 5-6 महीने हैं आने वाले समय को बहुत ही बेहतर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होता है प्रोटीन हो जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विटामिन B6 का क्या कार्य है? विटामिन B6 का क्या कार्य है? WBC को बनाने में मदद करना, पाचन में मदद करना, रक्त जमाने में मदद करना या फिर डी ऑप्शन है RBC को बनाने में मदद करना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है विटामिन से रिलेटेड।
राइट आंसर यहां पे क्या होगा, विटामिन B6 की बात की गई, आप लोग फुल फॉर्म बता दीजिएगा, उत्तर यहां पे हो जाएगा क्या, बहुत से स्टूडेंट्स का डी ऑप्शन आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया, डी उत्तर सही हो जाएगा। और यूपी टीजीटी में इस बार माइनस मार्किंग नहीं है, और आगे आने वाला जो यूपी टीजीटी होगा इसके बाद का, उसमें टेट और सीटेट भी मान्य होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, इसलिए इस बार मेहनत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होना है तो उसका आपको ध्यान रखना, वरना जब यूपी टीईटी आ जाएगा, सीटेट आ जाएगा, तब थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि जब फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, तो उस इसके लिए आप सबसे बेटर यह है कि जब फॉर्म आए तब तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर आप पहले से पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको वहां पे कुछ ना कुछ हेल्प अवश्य मिलेगी। तो इसलिए मेहनत अभी से करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास में ज्यादा नहीं बचा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि 5-6 महीने, लेकिन 5-6 महीने आपको पता नहीं चलेंगे किस तरीके से एग्जाम टाइम पे निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन एच का दूसरा नाम क्या है? जो विटामिन एच है इसका दूसरा नाम क्या है? थायमिन है, बायोटिन है, नाइसिन या फिर रेटिनॉल? तो यहां पे जो आंसर होगा बायोटिन के साथ में रिलेट करेगा, और साथ में आपको बताना है कुल विटामिनों की संख्या कितनी है और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक छोटे बच्चे के खाने में किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए? किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए? वसा की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, शर्करा की मात्रा, प्रोटीन या फिर फल की मात्रा को बढ़ाना चाहिए? आंसर आ गया बहुत से स्टूडेंट्स का कि फल की मात्रा बढ़ा दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रखे हैं उन्होंने सही से आंसर अटेम्प्ट किया है, सी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, NIN का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? ये मुख्यालय क्या बेंगलुरु में है, नई दिल्ली में है, हैदराबाद या फिर मुंबई में? बताइएगा। NIN की अगर बात की जाए तो ये मुख्यालय आपका कहां पे है? न्यू दिल्ली में। बिल्कुल यहां पे गलत हो जाएगा, राइट आंसर होगा हैदराबाद। बहुत अच्छे, बिल्कुल आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, उन लोगों का इसी तरीके से क्वेश्चन सही होगा और आप लोग मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में गेन करेंगे। और जो लोग इस टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं वो लोग भी एक से दो बार इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आपको वहां से नुकसान नहीं होना है, आपका फायदा ही होना है, आपका रिविजन हो जाएगा। अगर टाइम टेकन वीडियो है तो उसमें आप यूट्यूब में ऑप्शन आता है, उसमें स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है? किस प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है? एल्ब्यूमिन के उत्पादन में मदद करता है, फाइब्रोनोजिन या फिर प्रोथ्रॉम्बिन? एक डी ऑप्शन है, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। राइट आंसर यहां पे क्या हो सकता है? बिल्कुल आंसर आपका क्या होगा? प्रोथ्रॉम्बिन हो जाएगा, राइट आंसर सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 17th नंबर है, ISO का गठन कब हुआ? ISO का गठन कब हुआ? 1952 में इसका गठन हुआ, 1950, 1948 या फिर 1947 में ISO का गठन हुआ? बताइएगा आंसर क्या होगा। 17 क्वेश्चन अभी सिर्फ कंप्लीट हुए, टोटल 125 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो इसलिए आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइट आंसर आना चाहिए यहां पे। 17th का जो उत्तर हो जाएगा 1952, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 18th नंबर का है, हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा खनिज मुख्य होता है? तो हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा खनिज मुख्य होता है यह आपको बताना है। कॉपर मुख्य होता है, जिंक मुख्य होता है, सल्फर मुख्य होता है? तो आंसर क्या होगा यहां पे 18th में बताना है आपको, जल्दी से अपना राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। बस एक मिनट रुकिएगा, हम लैपटॉप को चार्जिंग से लगाते हैं, आप लोग आंसर अटेम्प्ट करिए 18 नंबर का। कौन सा उत्तर यहां पे राइट आंसर हो? बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाता है यहां पे,
सी उत्तर सही आंसर, आयरन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या हो सकता है इसका आंसर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बस बिल्कुल आसान सा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आया हुआ एग्जाम में, तो ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस एक बार एग्जाम में आ चुके हैं अगर वो गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल मिस्टेक ना होने पाए। आपका सही आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में, तो आंसर क्या होगा, किस आंसर को आपने अटेम्प्ट किया हुआ है? ए ऑप्शन, बिल्कुल सोडियम तथा पोटेशियम किस तरह का विद्युत शरीर में प्रभावित करते हैं, तो ये हो जाता है आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य के नाम बताना है, तो ये नाम क्या है, आयरन सल्फर फ्लोरीन, पोटेशियम फ्लोराइड सोडियम, एल्यूमिनियम सिलिकॉन टीन या फिर बोरान कोबाल्ट आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी से रिलेटेड। अब आप लोग के एनाटॉमी की एक नई सीरीज भी आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये मंथ आप लोग फ्री भी होंगे थोड़ा सा, तो इस मंथ में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो राइट आंसर यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आपका सही आ रहा है, कुछ लोग का गलत भी आ रहा है आंसर, तो गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो यहां पे जो आंसर होगा बी ऑप्शन, पोटेशियम फ्लोराइड सोडियम के साथ में संबंधित है, बी उत्तर सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो उसके शरीर में स्वाभाविक दर्दनाशक की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एंडोरफिंस कहा जाता है, क्लाउड हिंस कहा जाता है, नैरो फिंस या फिर ब्लैक फिंस कहा जाता है, बताइएगा क्या आंसर होगा 21 का, बिल्कुल आंसर आपका सही होगा, बिल्कुल आप लोग सही आंसर अटेम्प्ट किए हैं, ए ऑप्शन एंडोरफिंस के साथ में रिलेट करेगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, और साथ में अगर ग्रुप से जुड़ते हैं तो 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से। आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के टाइम पे ही मार्केट में मिलता है, वो मॉक टेस्ट आपको डेली का डेली अगर ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ता है, कॉम्पिटिशन लेवल के साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जो कि आपको एग्जाम बीट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर होगा बुद्धि की प्रथम औपचारिक परिभाषा की, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, किसने दी है यह परिभाषा, तो ये क्या बोरिंग महोदय ने दिया है, बिल्कुल इसका आंसर बी हो जाएगा, कहीं कहीं पे आपको बीने भी मिल जाएंगे लेकिन बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 23, प्रोध तथा आवश्यकता का आपस में संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों पद समान हैं, प्रोध की उत्पत्ति आवश्यकता से पहले होती है, या फिर डी ऑप्शन ये दोनों पद समानांतर हैं, बताइएगा क्या आंसर हो सकता है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, आंसर क्या होगा, ये दोनों पद क्या हैं, समानांतर हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में अभिप्रेरणात्मक चक्र में संज्ञान तत्व किसने जोड़ा है, लिडिशे ने जोड़ा है, डेसी ने जोड़ा है, वॉटसन ने जोड़ा या फिर शेरिफ ने जोड़ा है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल राइट आंसर है, डेसी महोदय ने इसको जोड़ा है, बी ऑप्शन सही आंसर। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और टीजीटी एलटी ग्रेड जीएस और राजस्थान पीटीआई से संबंधित जीएस की वीडियोस पिनअप की हुई, वहां से उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में क्या संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र का एक अंग नहीं है, क्या नहीं है, आवश्यकता, जानकारी, मूल प्रवृत्ति या फिर संज्ञान,
बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। जो भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट की है संज्ञान, थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को एक बार रीड करिएगा, बात की गई है यहां पे नहीं की, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मूल प्रवृत्ति इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। पियाजे के अनुसार निम्न में से किसे बच्चों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन नहीं माना जा सकता है, किसे नहीं माना जा सकता है, संकेत, भाषा, खेल या फिर चिन्ह को नहीं माना जा सकता है, बताइएगा। बी ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर होगा, बिल्कुल आंसर आपका बी के साथ में रिलेट कर जाएगा, नहीं की बात इसमें भी की गई है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखेंगे। कल भी एक स्टूडेंट्स ने बताया था सर कि सर हमारा यूपी टीजीटी में एक मार्क से सिलेक्शन रह गया था, तो इसके लिए आपको बता देते हैं कि आपने खुद मेरिट लिस्ट चेक की होगी, उसमें पॉइंटों में बहुत से लोग रहे हुए हैं, तो इसलिए आप लोग मेहनत करिएगा कि इस बार आपका एक मार्क्स जो कम था वो आप 10 कदम आगे रहें, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है, क्योंकि सब कुछ आते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल जरूर हो जाती है। इसलिए तैयारी जब आप परफेक्ट तरीके से करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे, डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे और डेली पढ़ाई करेंगे, अपनी स्टडी को टाइम देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके एग्जांपल्स कई तरीके के हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो स्टार्टिंग से तैयारी किए और लास्ट तक लगे रहे, तब जाके उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सा तत्व अभी प्रेरणात्मक चक्र से संबंधित नहीं है, इसमें भी नहीं की बात की गई है, कौन सा तत्व जो है अभी प्रेरणात्मक चक्र से रिलेट नहीं करता है, आवश्यकता क्या इससे रिलेट कर जाता है, भोजन, प्रोद या फिर प्रोत्साहन, तो नहीं की अगर बात कर ली जाए तो फूड भोजन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, मैकडूगल के द्वारा किया गया है, वॉटसन के द्वारा किया गया है, आसगुड या फिर जीन पियाजे के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर वॉटसन टिक ना लगाइएगा, जीन पियाजे इसका आंसर है, बिल्कुल बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। ये क्वेश्चंस आपके जो मनोविज्ञान से रिलेट करता है, साइकोलॉजी से रिलेट करता है, राजस्थान में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में यूपी में तो टीजीटी में आएंगे ही ये क्वेश्चंस, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 29, ऐसी स्मृति जिसमें व्यक्ति शब्दों, संकेतों आदि के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान रखता उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अर्थगत स्मृति कहते हैं, प्रासंगिक स्मृति कहते हैं, घोषणात्मक स्मृति या फिर अघोषणात्मक स्मृति कहते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 29 की लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, बाकी आंसर तो आप निकाल देंगे क्या होगा, ए ऑप्शन अर्थगत स्मृति कहते हैं, ए ऑप्शन सही आंसर। आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करिएगा कि आज 125 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। जो लोग राजस्थान पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं वो माइनस मार्किंग करके अपना स्कोर करेंगे, एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी भी माइनस मार्किंग करके स्कोर करेंगे, जबकि टीजीटी के अभ्यर्थी 125 क्वेश्चंस को 4 से गुणा कर देंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन सही होंगे 4 से गुणा करके बताइए कि 500 में से आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, फोन की घंटी बजते ही रिसीवर उठाना किस प्रकार के स्मृति का प्रतीक है, क्या यह प्रक्रियात्मक स्मृति का प्रतीक है, लघुकालीन संचयन की स्मृति का प्रतीक है, असक्रिय स्मृति या फिर सक्रिय स्मृति, बताइएगा 30 का जो आंसर होगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रक्रियात्मक स्मृति, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन भी टिक लगाया था, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन होगा। प्राचीन रोम में कैंपस मार्शियस क्या होते हैं, खेल मैदान,
कॉलेज या फिर सैनिक मैदान या फिर विश्वविद्यालय, जो प्राचीन रोम में कैंपस मार्शियस थे इनको क्या कहा जाता, क्या होते थे ये बताना है कि प्लेस पे थे होना चाहिए था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सैनिक मैदान। राइट आंसर के साथ में रिलेट किए हैं सभी स्टूडेंट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किसने ओलंपिक मशाल को एथेंस से आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार शुरू किया, किसने शुरू किया था, डिडॉन ने, थॉमस मुलर, एडोल्फ हिटलर या फिर जैक्स रोगे, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। 9621819209 बैच आपका टीजीटी का भी शुरू कर दिया गया है और साथ में आपका राजस्थान पीटीआई का भी चल रहा है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं 700 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। आपको तुरंत ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। जो भी मॉक टेस्ट डेली प्रोवाइड किया जाता है वो मॉक टेस्ट आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। सी ऑप्शन एडोल्फ हिटलर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन है। जर्मनी जिम्नास्टिक का ग्रैंड फादर किसे कहा जाता था, जॉन क्रिस्टोफर फेडरिक गटसमटस को कहा जाता था, मार्स जेबी बैसोड या फिर सलजमन। 33 आंसर यहां पे क्या हो सकता है, बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा क्या, जॉन क्रिस्टोफर फेडरिक गटसमटस, ए ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जर्मन के किस विद्वान ने टर्न वेरियन मूवमेंट की शुरुआत की, किस विद्वान ने शुरुआत की इसकी, एम्बेसडो ने, लुकविक जॉन ने, फेडरिक या फिर यंग महोदय ने। तो इसकी जो ये मूवमेंट है इसकी शुरुआत की थी लुकविक जॉन ने, इसका आंसर होता है बी, बिल्कुल सही आंसर है बी उत्तर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को ऊंचा दर्जा दिया जाने में किस विद्वान का हाथ था, कराल डायम का हाथ था, सिमिसमर मैरस या फिर पर हैनरिंग का, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाता है आपका डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, डी उत्तर सही हो जाता है। बस कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। आप लोग के माइंड में जब क्वेश्चंस के आंसर फिट होंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ेगा तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम का जो एक भय होता है, टेंशन बनी रहती है, वो टेंशन आपको नहीं रहेगी। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एग्जाम देंगे और आपका एग्जाम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। पुनः अवलोकन धारणा किस विद्वान ने दी, ये किस विद्वान ने दी है, अरस्तु, स्टैनले हॉल, सेल्डन या फिर कोहलर। पुनः अवलोकन धारणा किस विद्वान ने दी, तो ये दिया है स्टैनले हॉल ने, बी ऑप्शन होता है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग किसे माना जाता था, किसे माना जाता था, जीएस देवता को माना जाता था, पशुपति देवी, शंकर भगवान। प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग की अगर बात की जाए तो ये जीएस देवता यानी ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। WHO का एशिया का कार्यालय कहां है, इसका एशिया का कार्यालय कहां है, चीन में है, हांगकांग में है, नई दिल्ली में है या फिर बैंकॉक में है। एशिया की बात की जा रही है तो एशिया की अगर बात की जाए तो ये न्यू दिल्ली में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होना कि WHO की बात की गई तो ये रिलेट कहां से करेगा, आंसर गलत है। एशिया की बात की गई है तो न्यू दिल्ली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रथम स्पेशल ओलंपिक कहां हुए, जो प्रथम स्पेशल ओलंपिक है इनका जो आयोजन किया गया ये कहां पर हुआ, जापान में किया गया, चीन, यूएसए या फिर रूस में इसका आयोजन हुआ। प्रथम स्पेशल ओलंपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यूपी टीजीटी में, आंसर बताइएगा। यूएसए बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, सी ऑप्शन राइट आंसर। इसके पहले के वीडियोस को भी आप लोग देखिएगा, रिवीजन भी करते रहिएगा और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आंसर आपको लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन का गलत है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर सेंड कर सकते हैं,
9621819209 पर, क्योंकि वहां पे आपको उसका आंसर सही करा दिया जाएगा, क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती हैं और उन आंसर्स को सही भी कराया गया है और सही भी करा दिया जाएगा। आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, और जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो 9621819209 पर ही 700 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। डेली आपको ग्रुप में मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिकल एजुकेशन यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई फिजिकल एजुकेशन प्लस पेपर वन जीएस, उत्तर प्रदेश एलटी क्रेड फिजिकल एजुकेशन प्लस जीएस। तो 40 नंबर का जो आंसर है आपका होगा जेबी बैसडो, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहां से होता है? जबरदस्त क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल। ऑक्सीटोसिन का श्रावण अगर बात की जाए तो ये पिट्यूटरी, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 42। ग्लूकागन के अतिश्रावण से हो जाता है, अतिश्रावण से क्या होता है? टिटैनी, उदक में डायबिटीज जिसको बोलते हैं एक्रोमिगैली या फिर लाइकोसूरिया, बताइएगा। 42 ध्यान रखिएगा, आंसर यहां पे डी के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 43 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन है जो पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करता है? सी सी के पीजेड, एस ए सी टी एच, एल टी एच या फिर एफ एस एच, बताइए। 43 का आंसर यहां पे क्या होगा? बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा सी सी के पीजेड, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 44 नंबर है, इंसुलिन का रासायनिक स्वभाव है, जो इंसुलिन है इसका रासायनिक स्वभाव क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, स्टेराइड है या फिर वसा है? बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बस आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ तैयारी अच्छे से चल रही है, बस एग्जाम आ जाए और एग्जाम कंडक्ट हो जाए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर हो जाता है यहां पे, इंसुलिन का रासायनिक स्वभाव प्रोटीन होगा, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, कौन सा हार्मोन मनोभावनाओं को गड़बड़ा देता है? ये कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनलिन होता है, वैसोप्रेसिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है या फिर थायरॉक्सिन होता है, बताइएगा। YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे। साथ में चैनल का नाम है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियोस का लिंक वहां पे दिया हुआ है। मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको, डेली जो सीरीज कराई जाती है उसकी क्लासेस भी मिलेंगी, साथ में सुपर फास्ट वीडियोस भी वहां पे दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के टाइम पे मात्र और मात्र 20 मिनट के अंदर कंप्लीट किए जाते हैं, इसलिए वो भी क्वेश्चंस आप देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। 45 का आंसर क्या हो सकता है? एड्रेनलिन, बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, ए उत्तर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 46। किसके इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ जाती है? किसके इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ती है? एस टी एच, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन, 46 में बताइएगा। राइट आंसर बिल्कुल आपका आना चाहिए, एस टी एच होगा, क्या गलत हो जाएगा? जो लोग आंसर इंसुलिन भी आप लोग टिक लगा रहे हैं, क्या है इसका आंसर? बिल्कुल जल्दी से देखिएगा आंसर क्या हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन भी, यानी चार के चार ऑप्शन दिए, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका आंसर थायरॉक्सिन होगा, ध्यान रखना है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहां होती है? जो आयोडीन है इसकी सर्वाधिक मात्रा कहां होती है? एड्रिनल में होती है, यकृत में होती है, थायराइड या फिर वृषण में होती है। क्वेश्चन नंबर है 47, राइट आंसर है थायराइड, बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, अपनी स्कोरिंग करिएगा, 125 में से
कितने क्वेश्चन सही होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपना स्कोर तय करिएगा कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि किस लेवल पर तैयारी की जाए कि टीजीटी राजस्थान पीटी या फिर एलटी ग्रेड का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। 48 का आंसर जो हो जाता है आपका बी ऑप्शन बीटा के साथ में रिलेट करेगा। ध्यान रखना यहां पे इस क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसका आंसर बी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है कहीं कहीं पे आंसर भी अलग दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होता है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके हमारे नंबर पे सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न में कौन सा रासायनिक पदार्थ जैविक श्रेणी में अन्य से भिन्न है? गैस्ट्रिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन या फिर क्रिएटिन? 49 आंसर यहां पे क्या हो सकता है? बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा, राइट हो जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपको प्रोवाइड किया गया है। यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड पीटीआई जिसमें भी ज्वाइन होना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। 49 का आंसर हो जाता क्रिएटिन, डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 50। बैक्टीरिया में इंसुलिन निर्माण नहीं होता, इसमें इंसुलिन निर्माण के लिए किसका इंजेक्शन देना चाहिए? किसका इंजेक्शन देना चाहिए? इंसुलिन का देना चाहिए, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका या फिर प्लाज्मा का इंजेक्शन देना चाहिए? 50 का आंसर बताइएगा जल्दी से क्या होना चाहिए। बैक्टीरिया में इंसुलिन निर्माण नहीं होता, इसमें इंसुलिन निर्माण के लिए किसका इंजेक्शन देना चाहिए ये आपको बताना है। 50 नंबर का आंसर, क्वेश्चन आप लोग फिर से रीड करिएगा उसके बाद आंसर अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर हो गया यहां पे डी, बिल्कुल डी ऑप्शन जो लोग अटेम्प्ट किए उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। आंखों की दूरदृष्टता मापने के लिए प्रयुक्त तो उपकरण का नाम बताना है, वो कौन सा उपकरण? पैडोग्राफ है, स्नैल चार्ट है, मैनोमीटर या फिर स्पायरोमीटर? यहां पे स्नैल चार्ट जो लिखा हुआ इसकी स्पेलिंग वहां पे दूसरी होगी, लेकिन अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आता है तो उसमें आपका यही लिखा मिलेगा। तो राइट आंसर यहां पे हो जाता है आपका बी ऑप्शन, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52। हवा की दिशा नापने का यंत्र, बहुत आसान क्वेश्चन यहां पे, ए ऑप्शन होता है, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, पेपर में आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे जो आपको केवल और केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर अटेम्प्ट कर देंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप चारों के चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। इस बार के एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट से ऐसा हुआ है कि टफ क्वेश्चन सही हो गए लेकिन उनके आसान क्वेश्चन गलत हुए, तो आपके आसान भी सही होने चाहिए और टफ भी सही होने चाहिए तब जाके आप सिलेक्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि ना ही आसान और ना ही टफ के चक्कर में आपको पढ़ना है। सारे क्वेश्चंस जब आपके राइट होंगे तब जाके आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, जब अच्छे मार्क्स गेन करेंगे तब आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा, और पहली लिस्ट में नाम होना समझ लीजिए सिलेक्शन श्योर हो गया है आपका, इसलिए पहली लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। वेटिंग लिस्ट में टाइम लगता है क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए देखिएगा कोई भी न्यूज कहीं से नहीं आ रही, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन इस हिसाब से करिए कि आपको बिल्कुल सिलेक्शन लेना और पहली लिस्ट में सेलेक्ट होना है। फ्लैट फुट मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्पायरोमीटर कहते हैं, विंड गेज कहते हैं, पैडोमीटर या फिर मैनोमीटर कहते हैं? फ्लैट फुट मापने के यंत्र को क्या कहेंगे? यहां पे आंसर होता है पैडोमीटर, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, सी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 54 है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किससे मापा जाता है? जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यह किससे मीजर किया जाता है? शॉर्ट रनिंग से मीजर किया जाता है, हाई जंप से मीजर किया जाता है, वर्टिकल जंप या फिर शॉर्ट पुट से मीजर किया जाता है? बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो ये आंसर आपका होना चाहिए क्या? वर्टिकल जंप, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी उत्तर सही हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टारगेट क्लासेस विद हरीश सर। इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सभी क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लेवल के होते हैं और एग्जाम में आपके पूछे भी जाते हैं,
उसी तरीके के क्वेश्चंस आते भी हैं। हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है? स्टेथोस्कोप। इससे आसान क्वेश्चन अभी तक आपको शायद ही 2-3 मिले हों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? गोनियोमीटर बोलते हैं, डायनमोमीटर, स्पायरोमीटर या फिर मैनोमीटर। फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर यहां पे होना चाहिए क्या, क्या गोनियोमीटर आंसर हो सकता है? कुछ लोग टिक भी लगा दिए कि गोनियोमीटर आंसर है। राइट आंसर स्पायरोमीटर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाता है, सी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाथ की पकड़ मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? हाथ की पकड़ मापने का यंत्र क्या होगा? गोनियोमीटर होगा, डायनमोमीटर होगा, मैनोमीटर होगा, स्पायरोमीटर होगा। 57 में बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ये होता है आपका मैनोमीटर। सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। शरीर की ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? स्टेडियोमीटर कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं, गोनियोमीटर या फिर डायनमोमीटर। 58। शरीर की ऊंचाई को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको जो भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है, जो भी हम प्रैक्टिस सेट सर के द्वारा टाइप किया जाता है, क्वेश्चन टिक किए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको विविधता देखने को मिलेगी। क्वेश्चन अगर यंत्र से रिलेटेड है तो 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वहां से वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आप लोग प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करते हैं तो आपको भी फील होता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके के आ सकते हैं। बस प्रैक्टिस सेट का थोड़ा सा लेवल हार्ड हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपका सेट किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जो बहुत अच्छे पढ़ने में है स्टूडेंट्स, उनको भी मैक्सिमम मार्क्स मिले, और जो थोड़ा सा कम मेहनत कर रहे हैं उनको भी पॉजिटिव एनर्जी मिले कि वो भी वहां तक पहुंच सके। इसलिए आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और सभी लोग तैयारी भी कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस को 1-2 बार रिपीट करके ही सॉल्व करिएगा। ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिजिकल फिटनेस को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? कितने टाइप्स में वर्गीकृत किया गया? 4, 6, 2 या फिर 3 टाइप्स में इसको वर्गीकृत किया गया, डिवाइड किया गया? 4, 6, 2 और 3। 59 राइट आंसर यहां पर हो जाता है, 2 के साथ में रिलेट करता है। सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। टटल पल्स रेशियो टेस्ट से क्या मेजर किया जाता है, क्या मापा जाता है? एलिगिटी मेजर किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस या फिर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 60 राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा? 9621819209। ये व्हाट्सएप नंबर है, जो भी पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। 700 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप में किसी के द्वारा भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। राइट आंसर 60 नंबर का क्या होगा? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। सही आंसर है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NVS में पूछा गया है। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाते हैं? कौन से हार्मोन के द्वारा बढ़ जाते हैं? एड्रेनलिन के द्वारा बढ़ जाते हैं, थायरॉक्सिन, सिक्रेटिन या फिर गैस्ट्रिन के द्वारा बढ़ जाते हैं? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन ये जो बढ़ जाते हैं ये एड्रेनलिन के द्वारा बढ़ जाते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि ये कहां स्थित होती है? जनन मस्तिष्क, श्वास नाल के इधर उधर या फिर अग्नाशय। अब जो जनद लिखा हुआ है उस पर ज्यादा आप लोग ध्यान न दीजिएगा, शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 63। पिट्यूटरी द्वारा किसका श्रावण किया का पिट्यूटरी द्वारा किसकी श्रावण क्रिया का नियंत्रण नहीं होता? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर मिसमैच है। सही आंसर देखिएगा क्या हो सकता है। आपके मार्क्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि किस लेवल पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि अपनी मैचिंग भी करते रहिएगा साथ साथ में, जो लोग भी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाता है यहां पे, एड्रेनलिन मेडुला। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 64। पिट्यूटरी हार्मोन के कम श्रावण से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है ये बताइएगा। जड़वा मंता होता है,
उदक में होता है, घेंघा या फिर मधुमेह होता है। पिट्यूटरी हार्मोन के कम श्रावण से कौन सा रोग होता है, ये आपका होता है बी ऑप्शन। बी उत्तर क्या होगा, सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 965। निम्न में कौन हार्मोन स्रावित नहीं करता है, आंसर इसका देखिएगा, वृषण, तिल्ली, आमाशय या फिर आंत। 65 का जो आंसर होगा क्या आंसर हो सकता है, बिल्कुल आंसर देख सकते हैं आप लोग, और प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करिएगा, अपनी स्कोरिंग करिएगा, और जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं। 15 जून तक जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफर है जो आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स पुराने हैं, ग्रुप से ऑलरेडी जुड़े हुए थे, उनके बैचेस कंप्लीट हुए हैं, अगर वो वहां पे जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर, पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी मैथड पता है किस तरीके से क्या कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा तिल्ली, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा, नहीं की बात की गई थी, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 66 नंबर है, एड्रेनल हार्मोन क्या करता है, जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये किससे रिलेट करता है, रुधिर दाब बढ़ाता है, हृदय की धड़कन बढ़ाता है, ये दोनों कार्य करता है या फिर इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल 66 का आंसर यहां पे आप लोग बताएंगे किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर यहां पे बहुत से स्टूडेंट ने सी ऑप्शन अटेम्प्ट किया, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का सी ऑप्शन होगा, ये दोनों कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, थायरॉक्सिन हार्मोन किसने पृथक किया था, बेस्ट एवं बैटिंग ने, एफ सेंगर, विलियम ब्यूमांट या फिर कैंडल, बताइएगा आंसर यहां पर 67 में किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन किसने पृथक किया था, 67 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, कैंडल के साथ में रिलेट करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 68, हार्मोन होता है, अब हार्मोन क्या होता है, एंजाइम होता है, रासायनिक संदेश वाहक ग्रंथीय स्राव या फिर उत्सर्जी, बताइएगा। हार्मोन की अगर बात की जाए तो यह क्या होगा, रासायनिक संदेश वाहक, 68 बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शरीर की कोशिकाओं में आधारी उपापचय दर का संचालन कौन करता है, पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर थाइमस। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे सभी को इसका बेनिफिट हो सके, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थायराइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। मादा जनन हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रेडियोल होता है या फिर सभी, डी ऑप्शन होगा क्या, बिल्कुल डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71, प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, युक्ति कहलाता है, समूह कहलाता है, कौशल कहलाता है या फिर टीम कहलाता है, 71 में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाएगा, ये इसका आंसर आप लोग को कुछ अलग अलग मिलेगा, समूह भी कहीं कहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना है, युक्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है,
तनाव बढ़ाने पर मांसपेशी की लंबाई कम होना कहलाता है, क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, एपी कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर यहां पे होता है क्या कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा? बिल्कुल यहां पे सी ऑप्शन होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा जो लोग ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि यहां पे रिवीजन जब आप करेंगे तो जो भी आंसर्स आपके गलत हुए थे प्रैक्टिस सेट में वो दोबारा गलत नहीं होंगे, ऑलरेडी दिमाग में फिट हो जाएंगे। 73 में आंसर यहां पे होगा गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? सहनशीलता, विस्फोटक क्षमता, शक्ति या फिर लचीलापन। गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विस्फोटक क्षमता, बिल्कुल राइट आंसर है सभी स्टूडेंट्स का, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 74, 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। 74 क्या होता है? मैसोसाइकिल, ट्रेनिंग, माइक्रोसाइकिल या फिर पैरासाइकिल। पिछली बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो इस बार पूछा जा सकता है, पढ़िएगा अवश्य इस तरीके के क्वेश्चंस को। 3 से 10 दिन की बात अगर की जाए तो आंसर किस ऑप्शन से आप लोग रिलेट करेंगे? क्या सी ऑप्शन होगा? सी उत्तर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 75। वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वास्तविक गामक क्रिया द्वारा तकनीक को प्रदर्शित किया जाता है? किसके द्वारा? कौशल, योग्यता, सीखना या फिर पढ़ना। वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वास्तविक गामक क्रिया द्वारा तकनीक को प्रदर्शित किया जाता है? यह कौन सी क्रिया होती है, क्षमता होती है? यह कौशल होता है, ए ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ए उत्तर सही हो जाता है। अपनी स्कोरिंग आप सभी लोग अवश्य करते रहिएगा कि 125 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो जाते हैं। किसी गामक कार्य को करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कौशल कहते हैं, सीखना कहते हैं, तकनीक या फिर पढ़ना, बताइएगा 76 में आंसर। और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट करके ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 76 का आंसर क्या होगा? तकनीक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, टेक्निक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 77 है। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों में प्रभावशील परिवर्तन करने की योग्यता किसे कहते हैं? अनुकूलन योग्यता, संतुलन योग्यता, निर्धारण योग्यता या फिर प्रतिक्रिया योग्यता। 77 परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों में प्रभावशील परिवर्तन करने की योग्यता किसे कहते हैं? तो यह किसे कहते हैं? अनुकूलन योग्यता को कहते हैं, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है? यह कौन सी अवस्था होती है? 77 का आपका आंसर यहां पे हो जाएगा, एक मिनट, ए ऑप्शन यहां पे होगा, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों में प्रभावशील परिवर्तन करने की योग्यता, अनुकूलन योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज है। तो यहां पे आपको देखना है कि 78 का जो आंसर रिलेट करता है वो कौन सा होता है। वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है? अनुकूलन योग्यता होती है, प्रतिक्रिया योग्यता होती है, संतुलन योग्यता या फिर निर्धारण योग्यता। तो ये आंसर यहां पे क्या होगा? बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। थोड़ा सा बस क्वेश्चन चेंज है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में ऑप्शन भी वही दिए हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस को विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, 79 नंबर का क्वेश्चन है। अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं? 2,
5 या फिर 6 काल। राइट आंसर 2, 3, 5 या फिर 6 होता है। आंसर हो जाता है यहां पे 3 के साथ में रिलेट करता है, बी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेलों में वैज्ञानिक रूप से अवधिकालीनता को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया है, 8 प्रकार में बांटा गया, 6 प्रकार में बांटा गया या फिर 10 प्रकार में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछा गया खेलों में वैज्ञानिक रूप से अवधिकालीनता को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो यह बांटा गया है आपका 3 प्रकार में। ए ऑप्शन सही आंसर होगा, ए उत्तर राइट आंसर होगा। वीडियो पर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। और 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। इसी नंबर पर आप लोग 700 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। 81 है, सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है, माइक्रोसाइकिल या फिर क्रेप्स चक्र। तो क्रेप्स चक्र तो आपका होगा नहीं आंसर, सी ऑप्शन माइक्रोसाइकिल से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र। अभी आपने देखा सबसे ज्यादा अवधि का और ये सबसे कम अवधि का, इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसाइकिल, क्रेप्स चक्र, अभ्यास या फिर ट्रेनिंग, तो यहां पे होगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 83 है, शक्ति सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की सघनता होनी चाहिए 40 से 90% होनी चाहिए, 50 से 100% होनी चाहिए, 40 से 60% या फिर 30 से 80%। तो ये कितने परसेंटेज होना चाहिए? इसका आंसर थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, लेकिन सी ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, बारंबारता पद्धति से निम्न को विकसित किया जाता है, किसको विकसित किया जाता है? स्पीड एबिलिटी को, अधिकतम ताकत, एक्सप्लोसिव शक्ति या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बारंबारता पद्धति से निम्न को विकसित किया जाता है, तो यह होगा आपका स्पीड एबिलिटी भी, अधिकतम ताकत भी, एक्सप्लोसिव शक्ति यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेट करेगा। डी उत्तर राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, समन्वय योग्यता को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? और आप लोग कंटिन्यूटी बना रखिएगा, क्योंकि तैयारी आपकी तभी परफेक्ट होगी जब आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई होगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन बीच में कंटिन्यूटी टूटने के कारण उनके मार्क्स कहीं ना कहीं अभी जो हमने प्रैक्टिस सेट आपको यही प्रोवाइड किया था तो उसमें कम हुए हैं, इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी। आप डेली पढ़ाई करिएगा, टाइम निकालकर चाहे तो 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़िए लेकिन पढ़ाई अवश्य करिए। सी ऑप्शन होता है इसका राइट आंसर, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 86 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये सिलेबस में नहीं है, इस बार योगा भी सिलेबस में नहीं था पूछा गया, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, ये ना ध्यान रखिएगा कि सिलेबस के बाहर आ रहा है, क्योंकि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर आप कोर्ट में पहुंचते तो कोर्ट केस भी वहां से खारिज हो जाते हैं, इसलिए आंसर देखिए 86 का क्या होगा। वह समंक श्रेणी का पद जो समूह में सबसे अधिक बार आता है उस पद को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं, विस्तार माध्यिका या फिर बहुलक, मीन, मीडियन, मॉड या फिर रेंज, इसको बोलेंगे यहां पे डी बहुलक बोलते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रेंज विस्तार होता है, ध्यान रखना है। समंक श्रेणी का वह पद जो श्रेणी को दो समान भागों में विभक्त करता है, यह कौन सा होगा? माध्य, माध्यिका, विस्तार या फिर मॉड, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर क्या होगा क्योंकि क्वेश्चन चेंज है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक सहसंबंध क्या है? एक चर में वृद्धि या कमी होती है, दूसरे चर में वृद्धि या कमी होती है, दोनों या फिर एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तो किस ऑप्शन को रिलेट करेंगे? क्या डी ऑप्शन हो जाएगा? यहां पे सी ऑप्शन होगा,
दोनों के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, किसी समंक माला में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला मूल्य कहलाता है, क्या कहलाता है, माध्य, बहुलक, माध्यिका या फिर उपरोक्त सभी, तो यह कहलाता है बहुलक, बी ऑप्शन सही आंसर। बहुत से स्टूडेंट्स केवल और केवल इस चीज के लिए परेशान रहते हैं कि वैकेंसी आ जाए, अरे आप लोग तैयारी करिए, वैकेंसी अपने समय से आ जाएंगी, जब आपकी तैयारी कंप्लीट होगी तब वैकेंसी चाहे आपके 10 दिन के अंदर आ जाए चाहे 10 दिन लेट आए, आपकी जब तैयारी कंप्लीट तो आप पे फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि आपकी तैयारी पहले से कंप्लीट होगी। अगर आप सोचते हैं कि वैकेंसी आ जाए तब पढ़ना शुरू करते तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज अवश्य हो जाएंगे। आंकड़ों को समय के अनुसार व्यवस्थित करने से कौन सी श्रेणी का प्रकार है, समय श्रेणी, स्थान श्रेणी, अखंडित श्रेणी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये जो आंसर होता है ये होगा समय श्रेणी, ए ऑप्शन से रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, 91 नंबर का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन शायद सर ने टाइप किए हुए हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको देखने हैं, पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर से एक या दो क्वेश्चन आ सकता है, 5, 3, 2 या फिर 4, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनड्राइव किसकी यूनिट है, पेनड्राइव जो है प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मैसेंजर या फिर टेलनेट, तो पेनड्राइव जो यूनिट है ये स्टोरेज की यूनिट है, बी ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, डिजिटाइजर प्रयोग होता है, ये किसमें प्रयोग होता है, लिखने, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कैलकुलेशन, डिजिटाइजर जो प्रयोग होता है ये डिजाइनिंग में प्रयोग होता है, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, बी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीपीयू में किस डिवाइस से सीधा डाटा प्राप्त करता है, रोम, रैम, कैश, रजिस्टर, 94 का आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, 5 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से रिलेटेड, एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना कंप्यूटर है कौन सा कंप्यूटर है, संपूर्ण एनालॉग, हाइब्रिड, संपूर्ण डिजिटल या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर यहां पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 96, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, टीजीटी में इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले टीजीटी में भी क्वेश्चन यहां से आने हैं, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, वहां पर टाइप्स दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है, तो बहुत से स्टूडेंट्स तुरंत ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन लगा के आए थे जो उससे रिलेट कर रहे थे, क्वेश्चन आपको आता था और आपको शायद 2 दिन पहले के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया भी गया था, बस क्वेश्चन वहां पे दूसरे टाइप में था और एग्जाम में दूसरे टाइप में आया था, आपने आंसर क्वेश्चन ना पढ़ के जल्दबाजी में गलत किया था, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है उसके बाद आंसर को अटेम्प्ट करना, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, फिक्सर बनाते समय टीमों के सही रूप से जोड़े बनवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, बाई, सीडिंग, अपर हाफ या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। 97, फिक्सर बनाते समय टीमों के सही रूप से जोड़े बनवाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 98 है, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 10 टीम है तो कितने मैच खेले जाएंगे, तब कितने मैच खेले जाएंगे, यहां पे 98 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में और आएगा भी इस तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी अभी तक पेपर्स में मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं, तो ये इसका आंसर 9 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर, एन माइनस 1 से निकल आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में निम्न में से कौन सा है, अब यहां पे जो क्वेश्चन है 99 थोड़ा सा एग्जाम से मिलता हुआ है, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं,
तो कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो सी से रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आज की इस वीडियो का 100 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा कि 125 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, फिक्सर में पहली सीडिंग वाली टीम को कहां रखा जाता है, कहां रखा जाता है, ऑप्शन आप लोग देखिएगा राइट आंसर क्या होता है। बिल्कुल आंसर आपका सही होना चाहिए। 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप में या फिर किसी अन्य के द्वारा भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पे प्रोवाइड की जाती है और साथ में आपको जो डेली मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ने के लिए बहुत पर्याप्त मटेरियल होता है और आप अगर उस तरीके से तैयारी करते हैं तो डेली आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और जब कंटिन्यूटी बनी रहेगी तब आप कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए अपना टाइम अवश्य बढ़ाएंगे, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन आप देखेंगे कि कोई स्टूडेंट 118 नंबर 125 में पा रहा है और आप 100 प्लस पे हैं, तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा और आप भी पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है सी ऑप्शन, लोअर हाफ के सबसे नीचे के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बास्केटबॉल में यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट क्षेत्र के बाहर से बास्केट करे तो कितने अंक प्राप्त होंगे, तब कितने अंक प्राप्त होंगे 101 में, तो ये आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल 3 अंक प्राप्त होंगे, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, और इस बार क्वेश्चन गेम से भी बहुत आसान पूछे गए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोग रीड नहीं करते थे, वही क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के गलत हुए हैं, ये ध्यान रखना है। इस बार इस तरीके के क्वेश्चन गलत आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि टफ आप पढ़ते चले गए, टफ गलत नहीं हुआ, आसान क्वेश्चन गलत हो गया, उसी से आपका सिलेक्शन रुक गया। तो सिलेक्शन के लिए आपको टफ और आसान दोनों क्वेश्चन सही करने हैं। तो मलेशिया, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, मलेशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। रहमतुल्ला कप किस खेल से रिलेट करता है, या किस खेल से रिलेट करेगा, टेनिस राष्ट्रीय पुरुष, बैडमिंटन राष्ट्रीय पुरुष टीम, क्रिकेट राष्ट्रीय महिला, या फिर वॉलीबॉल राष्ट्रीय महिला। रहमतुल्ला कप किस खेल से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 103 का क्वेश्चन नंबर 103, राइट आंसर बैडमिंटन राष्ट्रीय पुरुष टीम, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 104 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरस्कार विजेता ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है, यहां पे ये आप लोग देखिएगा, एन एम नाटेकर व मीना सा 1961। आपको बताना है कि जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी पुरस्कार राशि क्या है और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसकी पुरस्कार राशि क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर दिनेश खन्ना, डी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। डॉक्टर जेम्स स्मिथ किस देश के निवासी थे, ये किस देश से रिलेट करता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर अमेरिका। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जेम्स स्मिथ किस देश के निवासी, डी ऑप्शन अमेरिका से रिलेट करेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल, क्रिकेट, फील्ड हॉकी या फिर सभी। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन आंसर जब आपका वहां पे आयोग के द्वारा आएगा तो सी ऑप्शन होगा, फील्ड हॉकी के साथ में रिलेट करेगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं का ऑप्शन दिया होता तब भी आपका यही ऑप्शन सही माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, हॉकी खेल किस देश में हार्ले नाम से जाना जाता है, जानी जाती थी, आयरलैंड, अमेरिका, स्कॉटलैंड या फिर आपका डी ऑप्शन इंडिया, भारत। हॉकी खेल किस देश में हार्ले नाम से जाने जाते थे, आयरलैंड। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए उत्तर सही हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहां पे 90 प्लस मार्क्स अभी तक गेन किए होंगे, क्योंकि 108 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, धनराज पिल्ले को कहा जाता है, रूप सिंह को कहा जाता है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू या फिर मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ओलंपिक में हॉकी की कितने टीमें प्रतिभाग करती हैं,
तो ये बताइएगा हॉकी की कितनी टीमें इसमें प्रतिभाग करती हैं, 32, 12, 10 या फिर 16। और फुटबॉल में कितनी टीमें प्रतिभाग करती हैं ये भी आप लोग बता दीजिएगा। इसमें तो बी ऑप्शन होगा, 12 टीमें प्रतिभाग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी संघ के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है आपको, पृथ्वीपाल सिंह, गुरुदयाल सिंह, कर्नल ब्रूस टर्नवाल या फिर वॉन ब्रेडा। और वर्तमान समय में भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी उत्तर सही हो जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। पेड ग्रुप से जुड़ा जाता है 9681819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, साथ में जो भी पीडीएफ डेली ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है टेस्ट के लिए वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 111 इसका आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि जो आंसर आपको प्रोवाइड किया गया था पीडीएफ में वहां पे डी ऑप्शन दिया गया था। लेकिन ये यदि एस्ट्रोटर्फ हरे रंग का हो तो बॉल होनी चाहिए सफेद रंग की, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, वहां पे आप लोग सही कर लीजिएगा और पीडीएफ में मॉडिफाई भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, हिम स्वर्ण कप, सीजर्स क्लॉक कप, खान अब्दुल गफ्फार खान ट्रॉफी किस खेल से रिलेट करती है, ये किस गेम से रिलेट करती है ट्रॉफी, हॉकी से रिलेट करती है, ए ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी आगे रखी जाती है, 113 नंबर। क्वेश्चन को रीड करके आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्या 12 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर या फिर 14 मीटर आपका आंसर होगा, यहां पे कितना आंसर आपका होगा 13 मीटर होगा, क्या बिल्कुल 13 मीटर के साथ में रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 114 नंबर, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है ये बताइएगा, 0.779 मीटर होती है, 0.780 मीटर होती है, 0.762 मीटर होती है या फिर 0.765 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर यहां पे होगा 0.762 मीटर, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डेक्थलॉन कितने दिन की प्रतियोगिता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी आया था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो ये कितने दिन की प्रतियोगिता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ में रिलेट, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, डिस्कस का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है, यहां पे ध्यान रखिएगा आपकी यूनिट नहीं चेंज की गई है, लेकिन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हो सकता है इसी क्वेश्चन को यूनिट चेंज करके दे दिया जाए, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, डिस्कस का भार महिला वर्ग के लिए कितना होता है, अब देखिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एक साथ में दिए हुए हैं, ये कितना हो जाएगा 1 kg पुरुष वर्ग के लिए, 2 kg जबकि महिला वर्ग के लिए 1 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे 118, 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक पर बाधाओं के लिए मार्किंग किस रंग से की जाती है, कौन से रंग से मार्किंग की जाती है यह बताना है, नीले रंग से मार्किंग की जाती, पीले रंग से, काले रंग से या फिर हरे रंग से, 118 तो ये ऑप्शन होता है आपका नीले रंग से, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 119 नंबर है, स्टीपल चेज यानी पानी बाधा दौड़ में बाधाओं के लिए चिन्ह किस रंग से निशान लगाया जाए, नीले रंग से, पीले रंग से, काले या फिर हरे रंग से, तो ये ऑप्शन होगा आपका ए नीले रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है, 100 मीटर बाधा दौड़ के निशान में ट्रैक में किस रंग से लगाए जाते हैं, जो निशान लगाए जाते हैं वो किस रंग से लगाए जाते हैं, 120 का बताइएगा, पीले रंग से लगाए जाते हैं, नीले रंग के, लाल रंग के या फिर काले रंग के, तो ये जो लगाए जाते हैं निशान ये पीले रंग के लगाए जाते हैं, ए ऑप्शन क्या होता है इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, फुटबॉल में पेनाल्टी स्पॉट कितनी दूरी पर होता है, तो फुटबॉल में जो पेनाल्टी स्पॉट होता है ये कितनी दूरी पर होता है,
10 फिट की दूरी पर होता है, 12 गज की दूरी पर होता है। यहां पे 12 फिट नहीं होना चाहिए, 12 गज होना चाहिए, ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा यहां पे चेंज करिएगा, 12 गज। राइट आंसर भी आपका यही हो जाएगा, 12 गज के साथ में, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 120 नंबर है, सुब्रतो कप होगा क्या, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, सुब्रतो कप, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, महिला फेडरेशन कप या फिर जीवी राजा ट्रॉफी। 122 में आंसर आपका क्या हो सकता है, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, तो यह प्रतियोगिता है बेगम हजरत महल ट्रॉफी, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 123। फुटबॉल विश्व कप को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, यह आपको बताना है। क्या फीफा कप के नाम से पुकारा जाता था, रोवर्स कप, कोपा कप, जूलियस रीमेक ट्रॉफी। 123 आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन यहां पे सही आंसर, पहले की बात की गई, डी उत्तर राइट आंसर। आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, और आप लोग अपने स्कोरिंग भी करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी, यह कौन सी है, संतोष ट्रॉफी, नेहरू गोल्ड कप, श्री कृष्ण गोल्ड कप या फिर डूरंड कप। भारत की बात की गई सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता, डी ऑप्शन यहां पे क्या है, इसका राइट आंसर है डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फुटबॉल की भारत में पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की गई, ये कब आयोजित की गई थी, 1915 कोलकाता में आयोजित हुई, 1920 दिल्ली में आयोजित हुई, 1900 चेन्नई या फिर 1888 शिमला। 1915 कोलकाता, 1920 दिल्ली, 1900 चेन्नई, 1888 शिमला। आंसर यहां पे क्या होगा, सभी का राइट आंसर है डी ऑप्शन, डी उत्तर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के इस प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन। आप लोग अपनी स्कोरिंग करिएगा 125 में से ईमानदारी के साथ में आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है कि किस लेवल पर आप तैयारी करें कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। और जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। इसी नंबर पर आप लोग 700 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। अगर नए स्टूडेंट है तो आपको 10,000+ क्वेश्चन की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाएगी, और डेली जो मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है उसको आप सभी लोग अवश्य पढ़ते रहें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के हैं। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।